नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों वैसे तो आज मैंने दूसरा वीडियो प्लान किया हुआ था कि कैसे आपके वॉलेट से पाई निकल रहे हैं। अगर आपके ने माइनिंग की हुई है, काफ़ी दोस्तों के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन एक अपडेट आ गया तो आज जो है टॉपिक चेंज करना पड़ा। और कहाँ पे 3500 रुपीज़ का पाई बिक रहा है वो भी इस वीडियो में बताऊँगा। और जो बेचने की जिन्होंने कोशिश की, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने कहा ठीक है मेरा आप रिकॉर्ड कर लो और लोगों को सुना देना मैंने कहाँ पे बेचे, तो वो भी आप देखोगे। लेकिन आगे पाई फेस्टिवल जो है वो स्टार्ट हो रहा है 1 अक्टूबर से, पाई कोर टीम का कहना है। और यही फेस्टिवल 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 लोग जो है यही हम खेलते रहेंगे, करते रहेंगे। अब इस फेस्टिवल में हम कहाँ से क्या खरीदते हैं वो देखना है। आप कहाँ पे जाओगे, क्या खरीदोगे, एक बार मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, स्क्रीन पे जो व्हाट्सअप नंबर देख रहे हैं, अगर कुछ खरीदोगे कुछ डील करोगे तो इस पे मुझे मैसेज करना, बताना कि आपने क्या बाय किया। लेकिन कोर टीम का कहना है कि पाई फेस्टिवल वापस आ गया है, पाइनियर मर्चेंट्स एंड शॉपर्स, मतलब पाइनियर मर्चेंट भी हो सकता है या जिसने खरीदारी करनी है वो भी हो सकता है, आर वंस अगेन कॉल्ड टू सेलिब्रेट द यूज ऑफ पाई इन लोकल कॉमर्स ग्लोबली, दिस टाइम यूजिंग ए पाइनियर बिल्ड पाई ओएस ऐप टू डिस्कवर एंड कनेक्ट। कहते हैं मर्चेंट जो है वो मैप ऑफ पाई पे जाके अपने पाई को स्टोर को रजिस्टर कर सकते हैं, और मैं पूरा जो है इस पर एक रखना चाहूँगा नज़र, मतलब मैं पूरी देखना चाहूँगा कि किस रेट पे जो है आप लोग ट्रेड करते हो और किस रेट पे पाई से ये बाटर सिस्टम जो है चलता है, या किस रेट पे जो मर्चेंट है वो आपसे पाई एक्सेप्ट करता है। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार जरूर जो है अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अब कहते हैं आप मैप ऑफ पाई पे जाओ, अगर दुकानदार हो तो आप वहां पे जाके जो है रजिस्टर करो, और अगर शॉपर है, अगर आपने शॉपिंग करनी है तो आप मैप ऑफ पाई पे जाके देख सकते हो कि आपके वहां पे कौन सा जो है वो दुकान वाला पाई एक्सेप्ट करा है। पार्टिसिपेट टू बूस्ट द रियल लाइफ यूटिलिटी ऑफ पाई, मतलब यूटिलिटी पे फोकस कर रहे हैं, जो मैं फर्स्ट डे से बोल रहा था कि अगर ये कुछ कर पाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन अब ये जो कर रहे हैं वो वर्चुअली इम्पॉसिबल है। जी हाँ, वो वर्चुअली इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम लाइफ में यूटोपियन प्लान ना बनाए, शेख चिल्ली वाले प्लान ना बनाए, एक रियल सेंस में आगे चले तो काफी कुछ हम अचीव कर सकते हैं। और यही शेख चिल्ली के प्लान जो है आज लोगों को स्कैम का जो है वो जरिया बना रहा है। लोग कहते हैं मेरे साथ स्कैम हो गया, मैं कहता हूं आपके साथ स्कैम हुआ ही नहीं, आप तो लालच में फंसे। आपको किसी ने कहा कि मेरे मैं आपको 500 रुपया पाई दूंगा, आप गए उसने कहा ये एक्टिविटी करो, क्योंकि आपने ना मेरा वीडियो देखा, ना आपने मुझे फॉलो किया, ना आपने मेरी जो है सीख है उसको फॉलो किया। आपने कहा बकवास कर रहा है, ऐसे ही है, हर दिन आता है दिमाग चाटता है अपना, पाई जो है कहता है पाई बेचो बेचो बेचो। मैं हर वीडियो में कहता हूं होल्ड कर सकते हो तो होल्ड करो, जरूरत पड़ेगी तो आप जो है जो भी आपका ट्रस्टेड आदमी है उसके पास जाओ, लेकिन आपका ट्रस्ट कहां पे जाता है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और उसके बाद क्या होता है आप सभी को पता है। उसके बाद इन्होंने गाइडलाइन दी है, रीड द पाई फेस्ट गाइडलाइंस टू लर्न मोर अबाउट हाउ मर्चेंट्स एंड पाइनियर्स कैन पार्टिसिपेट, तो ये इन्होंने बताया था। तो मैप ऑफ पाई पे क्लिक करोगे तो आप जो है वहां पे चले जाओगे। तो इस तरह से क्या कर सकते हो, आप अपना शॉपर हो तो भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, और अगर पाइनियर हो मर्चेंट हो तो तब भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब दोस्तों बात करूंगा मैं इम्पॉर्टेंट कि मेरे एक दोस्त मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं कल रात को, कहते हैं कि मैं उनका अकाउंट से पाई हैक कर लिया, मेरा फ्रेंड था, तो आप देखिए स्क्रीन पे 1757 पाई। लेकिन मतलब किस्सा बड़ा इंटरेस्टिंग है, मज़ा आ गया मेरे को सुन के। कहते मेरी डील हुई वो इंस्टाग्राम पे 35 50 पाई वो मांग रहा था, 35 में हमारी डील हुई, हमने कर दिया। उसके बाद उसने फार्म भेजा है, कहता है ये फार्म भरो, और फार्म भरने के साथ ही हुआ क्या, उसमें पास फ्रेज मांगा गया। तो पहले मैंने आनाकानी की, फिर मैंने दोस्त से ली, और ये पाई इनके खुद के नहीं है, इनके फ्रेंड के हैं, मतलब इनके फ्रेंड ने इन पर खूब ट्रस्ट किया। और मैंने कहा कि वो भी गुस्से में होगा अभी, कह रहे नहीं गुस्सा तो आता ही है, तो पास फ्रेज दिया, और कहते देखते ही देखते हमारे पाई जो है निकल गए। और मजे की बात, मैंने कहा मेरे को भेजना सही ये कौन है, मजे की बात देखो, पाई कॉइन बायर राहुल 50,000 फॉलोअर्स, 6,430 लोगों को फॉलो करता है, और एक्सचेंज रेट $25/1900 पर पाई, यूपीएम पेमेंट प्रूफ पूल जो भी कर सकता था इसने बेवकूफ बनाने के लिए किया, और लोग भी दबके बेवकूफ बन रहे हैं।
और कह रहा है कि हाईएस्ट बाइंग आई बाइंग आल केवाईसी वर्क एंड पाई का हाईएस्ट, मतलब आप देखो कि लिखा क्या कुछ हुआ है और लोग इसी में भी जो है बेवकूफ बन गए। और अब मैं क्या बोलूं क्या है क्या नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, मुझे एक वीडियो और भेजी, पुरानी वीडियो थी, ये देखिए, पाई नेटवर्क डिजिटल करेंसी से बने रातों रात करोड़पति। कहते सर आपने ये वीडियो दिखा, इसको सुना? मैंने जब देखने की कोशिश की मेरे को हंसी आ गई। मैंने कहा क्या बोला इसने, क्या किया, कुछ नहीं पता, इसको कुछ पता ही नहीं लगा कि इसने बोला क्या है। लेकिन वीडियो बनी और व्यूज़ जो है अच्छे खासे गैदर किए हुए हैं। और यही जो करोड़पति बनने का सपना है, यही आज जो है स्कैमर्स को मोटिवेट कर रहा है कि वो आपके पाई जो है वो स्कैम करें। अब मेरे दोस्त एक और बात पूछते हैं कि सर अगर इसकी आने वाले समय में वैल्यू नहीं बनेगी तो ये लोग जो आज खरीद रहे हैं ये क्या करेंगे? ये कुछ नहीं करेंगे, ये आप ही को, आपका माल आप ही को वापस करेंगे। इन्होंने कुछ नहीं करना इस पाइप को, क्योंकि ये मैंने भी ट्रेंड देखा है। आपने जिस पाई को 20 रुपए में बेचा था, आज उसको 30 रुपए में मुझे मैसेज करते हो, सर मुझे 30 में दिलवा दो, मुझे 35 में दिलवा दो, मुझे 40 में दिलवा दो। मतलब जो चीज़ आपने अपनी बेची हुई है उसी को वापस। और यही होता है हर कॉइन की हिस्ट्री। लिस्टिंग से पहले डिटेल का वीडियो कल वाला देखना, आपको काफ़ी कुछ समझ आएगी। लिस्टिंग से पहले जो है जो बेच देते हैं वो हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं, इस टाइप के जो माइनिंग कॉइन्स हैं। और नुकसान में कौन रहते हैं? जो सिर्फ वेट करते रहते हैं, वो हमेशा हाथ मलते रहते हैं। तो आपको अगर जरूरत नहीं है, रिपीट करता हूँ, जरूरत नहीं है, आपने कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, एक चवन्नी भी नहीं आपने लगाई, सिर्फ अपना टाइम दिया कुछ, इसको होल्ड कर लो। और अगर जरूरत है तो जिसको भी आप ट्रस्ट करते हो। अब मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि मेरे को आप बेचो, क्योंकि लोग बोलते हैं कि सर ये बंदा हमेशा अपने कॉइन खरीदने के लिए बैठा रहता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे। तो जिस पे ट्रस्ट करते हो उसको आप बेच सकते हो। अब जल्दी से एक बार सुन लीजिए कि क्या हुआ, कैसे स्कैम हुआ और आपको क्या करना चाहिए और कहाँ पे 3500 में पाई कॉइन बिक रहा है। तो एक बायर था जी, उसने मेरे को लगभग 1800-2000। मैं ना आपकी कॉल रिकॉर्ड भी करूंगा ताकि ये मैं अपने वीडियो में ना सबको सुना भी सकूं कि ये देखो कि ये क्या हो रहा है इंस्टाग्राम पे। ठीक है, यस पक्का सर। हाँ, आप बताइए सर। एक्चुअली एक बायर था, हाँ हाँ, उसका इंस्टा आईडी था, अभी पाए को आप एक मिनट, आप उसकी स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना। हाँ, तो उनका नाम था पाए कॉइन बायर राहुल बोल के। ठीक, तो इन्होंने मेरे पे इंस्टा पे चैट किया। अच्छा, और चैट करके इन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको 1800-2500 रुपए के बीच में ऐसा रेट दूंगा। ठीक, फ्लक्चुएट होता है। ठीक, तो फिर बोले मिनिमम 50 पाई भेजना पड़ेगा। अच्छा, तो उन्होंने एक वॉलेट का एड्रेस दिया। ठीक, मगर मैं एग्री नहीं हुआ 50 के लिए। मैं बोला अपन मिनिमम 1-2-50-20 कुछ तो करते। उन्होंने 35 का क्वांटिटी बोला। ठीक, जैसे मैंने 35 क्वांटिटी बोला, हाँ हाँ, तो बोले आपको पता नहीं क्या कि एस्क्रो करना पड़ता है पाई को। हाँ हाँ, तो मैं बोला एस्क्रो की क्यों जरूरत है। हाँ हाँ, तो दिस पर्सन व्हाट दे डिड, दे सेंड वन फॉर्म, एस्क्रो फॉर्म। हाँ हाँ, तो उसमें कहाँ पे पैसा लेना है, सब डिटेल भरा। अच्छा, लास्ट में उन्होंने एक चीज ऐसा डाला, 5 फ्रेज चाहिए। अच्छा, बोला 5 फ्रेज नहीं दे सकता हूँ। हाँ हाँ, मगर ये मेरे दोस्त का अकाउंट था तो उसका मेरे पे पूरा ट्रस्ट था। हाँ, तो उसने 1 सेकंड में मेरे को 5 फ्रेज दे दिया। अच्छा, फिर हमने वहाँ पे 5 फ्रेज डाला। ओहो, तो उन्होंने बोला कि एक आपको मेल आएगा। हाँ हाँ, और मेल को कंफर्म करो, आपके पेमेंट ट्रांसफर कर दूंगा। हाँ हाँ, मगर जैसे हमने 35 तो वॉलेट से गए। हाँ हाँ, लगभग 1757 कुछ तो बाकी थे, जिसका आपको मैंने स्क्रीनशॉट दिया है। ठीक, वो भी उन्होंने तुरंत उड़ा लिया वहां से, तो पूरा वॉलेट जीरो कर दिया। एक पाई के करीब कुछ रखा उन्होंने। तो मुझे एक बात नहीं समझ लगी यार आपकी, आप मेरा वीडियो देखते हो सर? अब भी देखा मैंने, अभी इस पे जब से मेरे ये गया। हाँ, तो मैं जेन्युइन कौन है इस पे रिसर्च करना चालू किया। अच्छा, क्योंकि मेरे खुद के वॉलेट में भी 3400 पाए अभी। ओहो, अच्छा अच्छा, तो मैं बोला कि नहीं, अभी क्या हो रहा है सर, इंडोनेशिया में इन्होंने इनका खुद का मॉल खोला है, कोई बोलता है कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब फेक है, लोगों को बेवकूफ बनाने की टेक्निक है। शॉप, हाँ, कुछ नहीं खोला। तो अभी सर अभी ये जो बाय कर रहे हैं समझो कोई भी आदमी, हाँ, तो उसका बेनिफिट क्या है उसके? वो बाय कर कुछ नहीं कर रहा, वो लोग कोई बाय नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा,
जो बाय कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, आपसे बाय करते हैं, और वो जो गरीब बंदे जिन्होंने माइनिंग नहीं ना की हुई, जिनके बड़े बड़े सपने हैं कि हम ऐसे बनाएंगे, कल को ऐसे करोड़पति बन जाएंगे, अरबपति बन जाएंगे, नया बिटकॉइन बनेगा, ये उनको ये चिपका रहे हैं। मतलब एक ये समझो कि जो ट्रेडिंग क्या होता है, आप गुजराती हो ना? सर मैं जैन हूँ, मारवाड़ी हूँ। हाँ, मारवाड़ी हो, तो मारवाड़ियों को एक ही बात समझ में आती है कि पैसा कहाँ से बनेगा, राइट ठीक है? राइट तो वो क्या करते हैं राइट कि जहां से पैसा आता है, फिर वो अपनी कई बार ना मारवाड़ी से पैसा जो वो करना, वो बड़ा मुश्किल होता है निकलवाना। लेकिन क्या होता है, राइट मारवाड़ी जो है वो कहता है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हर बंदा ये सोच रहा है कि यार ये मोटे मोटे पैसे कल बना के देगा, तो एक काम करते हैं, ये खरीद के रख लेते हैं। तो जिसने कल 20 रुपए में खरीदा बेचा था ना, आज वही जो है 30, 40, 50 रुपए में वापस भी खरीदने को रेडी हो रहा है। तो मैं कई बार हंसता हूँ कि मूर्खों की, वो देख के कि ये लोग कर क्या रहे हैं। और अभी आपने जो बात बोली कि आप गए, आपने जैसे उसने बोला 2013 से 2002, पास फ्रेज तो आपको पता है कि आपकी की होती है, घर का एक ताला है जिसकी की है। कोई जितना राइट मर्जी बोले कि भाई आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे, ऐसा कर देंगे, मैं कल बोलूंगा आपके घर के बदले मेरा घर दे दूंगा, अपनी चाबी दे दो, कोई दे देगा? नहीं सर, राइट है, राइट यहाँ नहीं पे क्या देगा। आता है कि यहाँ पे यही लालच में लोग क्या करते हैं, अपना पास फ्रेज दे देते हैं और स्कैमर जो है पाई उड़ा के ले जाते हैं। और अब ये वॉलेट भी खत्म हो गया, क्योंकि अब उसकी पास फ्रेज आपका उसके पास है ना, अब जो फ्यूचर में भी पाई आएंगे वो पाई भी आपके उड़ा ले, उड़ा के ले जाएगा। नहीं सर, हमने पाई को रिपोर्ट किया है, पाई वो को कुछ नहीं, मेल किया है। और मेरे भाई कुछ नहीं होगा उससे। ये पूरे पूरे वर्ल्ड में ऐसे स्कैम चल रहे हैं, वो किस किस को करेंगे, कौन देखेगा, वहां कुछ नहीं है। अगर ये इतना ही सिक्योर होता ना, तो पाई लोगों के अकाउंट से जाते ही नहीं। ये चीज है, जी, ये तो तो कुछ भी अभी नहीं है, ये अभी तो कुछ नहीं है। लोगों के वॉलेट से इथीरियम उड़ जाते हैं बेवकूफी की वजह से, बिटकॉइन उड़ जाते हैं, ये तो फिर पाई है। उम्मीद है दोस्तों काफी कुछ क्लियर हो गया होगा कि ये सिर्फ स्कैम है, स्कैम है, स्कैम है। फिर भी अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हो तो आप जो है स्वच्छंद हो, कहीं भी जाके अपना पाई जो है वो लुटवा सकते हो, स्कैम करवा सकते हो। उसके बाद मुझे स्क्रीनशॉट भेज के ये मत बोला करो कि स्कैम हो गया। वो सिर्फ इसलिए कि स्कैम हुआ नहीं, आप अपने लालच में फंसे और लालच में आपके पाई गए। और ये जो सज्जन थे ये कहते हैं कि मैंने जब स्कैम हो गया उसके बाद पूरा यूट्यूब देखा कि कोई जेन्युइन बंदा है जिसके साथ मैं फ्यूचर में डील कर सकूं, तो आपका वीडियो और मेरे को आप पे जो है वो ट्रस्ट आया। तो आपने उन सभी दोस्तों को जो मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, उन सभी का मैं शुक्रगुजार हूं। और अगर आपको भी मेरी जरूरत है पाई सिद्रा सेल करने में या यूएसडीटी बाय सेल करने में, जो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर देख रहे हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो, मेरे साथ जुड़ सकते हो। जितनी मेरे से संभव मदद होगी मैं करने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ वीडियो को करता हूं खत्म, दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि वो भी देख सकें कि 3500 में पाई कहां पे बिक रहा है। नमस्कार, जय हिंद।